कपिल मिश्रा के अनशन का आज दूसरा दिन, पांच मंत्रियों के विदेश दौरों पर, केजरीवाल से फिर मांगा जवाब, कहा रविवार को करेंगे नए खुलासे। अभी तक जो दो तीन बड़े मामले मेरे सामने आए हैं उनका खुलासा करूंगा और उसके बाद उन मामलों को लेकर भी सीबीआई में जाऊंगा। टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने कपिल मिश्रा आज 12 बजे दर्ज कराएंगे अपना बयान। दिल्ली सरकार पर मामले को दबाने का लगाया था आरोप। कपिल मिश्रा का दावा, देश भर से कार्यकर्ता दे रहे हैं भ्रष्टाचार की जानकारियां, सीबीआई को सौंपेंगे पूरी डिटेल। हमले के तुरंत बाद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कपिल मिश्रा ने उठाए सवाल, हमले की पहले से दी तैयारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सरहद पार से जबरदस्त फायरिंग, नौशेरा सेक्टर में दागे गए मोर्टार शेल। पुलिस के मुताबिक पाक सेना ने रात 11 बजे से शुरू की फायरिंग, दिन निकलने तक भारी गोलीबारी। फायरिंग में एलओसी के पास के पुखरानी गांव की एक महिला की मौत, गोलीबारी में जख्मी हुआ उसका पति। फायरिंग को देखते हुए पूरे इलाके में अलर्ट, नौशेरा में आज बंद रहेंगे स्कूल। गृह सचिव राजीव महर्षि आज घाटी का करेंगे दौरा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात। यूपी के सहारनपुर हिंसा मामले में 9 एफआईआर दर्ज, 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 60 आरोपी हैं फरार, एफआईआर में 100 बेनाम लोग भी शामिल। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का सहारनपुर पर बड़ा बयान, हिंसा के पीछे कई संगठनों के सामने आ रहे हैं नाम। बागपत दौरे में केंद्रीय मंत्री बालियान ने कहा 120 दिन में किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं तो जेल में होगा मलकपुर चीनी मिल का मालिक उमेश मोटा। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी पार्षद का धमकी भरा ऑडियो वायरल, ऑडियो में बीजेपी नेता एक संत को दे रहे हैं धमकी। आज से सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक की याचिकाओं पर सुनवाई होगी शुरू, निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा भी सुनवाई में शामिल। जस्टिस जगदीश सिंह खेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंडपीठ करेगी सुनवाई, तीन तलाक पर मुस्लिम महिलाओं ने डाली हैं 5 अर्जियां। तीन तलाक के मामले में केंद्र सरकार ने दायर किया हलफनामा, तीन तलाक को संविधान में दिए समानता के अधिकार का हनन माना। खंडपीठ में अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जज शामिल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पारसी धर्म से नाता। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा, मौके पर दो की मौत, 7 जख्मी, सेना और पुलिस वालों ने की घायलों की मदद। राजस्थान के भरतपुर में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में दीवार गिरने से 25 की मौत। तेज बारिश और आंधी से हुआ हादसा, 28 घायलों का अस्पताल में इलाज, डीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के आजमगढ़ में दिखी लाइव लूट की तस्वीर, एक जौहरी की दुकान से लाखों का माल लेकर लुटेरे चंपत, सीसीटीवी से लुटेरों की तलाश। मध्य प्रदेश के खरगोन में छेड़छाड़ की पीड़िता का पुलिस ने करवाया मेडिकल, 6 घंटे तक नहीं लिखी रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में भ्रष्ट अफसरों पर एसीबी का शिकंजा, 3 को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा, आरोपी अफसरों के खिलाफ लगातार मिल रही थी शिकायत। अमृतसर में पुलिस ने शातिर लैपटॉप चोर को दबोचा, बकायदा बसों में टिकट लेकर सफर के दौरान मुसाफिरों की उड़ाता था लैपटॉप। उत्तराखंड रुड़की में श्रद्धालुओं से भरी बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, दर्जनों घायल, घायलों में ज्यादातर महिलाएं। मध्य प्रदेश के सतना में कृषि मंत्री के काफिले से बाइक सवार की टक्कर, 3 जख्मी, नाजुक हालत में बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु के कोयंबटूर में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक शैतान टीचर, नाबालिग बच्चियों का करता था यौन शोषण। यूपी के मेरठ में क्रांति दिवस के मौके पर लोक गायन का कार्यक्रम, मालिनी अवस्थी समेत कई कलाकारों ने बांधा समा। पटना में हुई अनोखी शादी, 9 दिव्यांगों ने एक ही मंडप में लिए 7 फेरे। जारी है आज तक का दबदबा, बेस्ट चैनल के लिए 8वां बीसीएस रत्न अवार्ड। पुण्य प्रसून वाजपेयी को मिला बेस्ट एंकर का अवार्ड, श्वेता सिंह बनी बेस्ट फीमेल एंकर।
पॉलिटिकल कार्टून सो सॉरी को मिला बेस्ट पॉलिटून का अवार्ड, सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को बेस्ट चैनल का खिताब। श्रेयस अय्यर की आंधी में उड़ा गुजरात, कानपुर में हुए मुकाबले में दिल्ली ने 2 विकेट से दी शिकस्त। गुजरात ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर बनाए थे 195 रन, दिल्ली डेयर डेविल्स ने 2 गेंद रहते जीता मैच। दिल्ली की जीत में हीरो रहे श्रेयस अय्यर, 57 गेंद पर 96 रन की खेली तूफानी पारी। गुजरात की तरफ से फिंच ने बनाए सबसे ज्यादा 69 रन, दिनेश कार्तिक ने 40 रन बनाए। आज मुंबई का अपने घर में पंजाब से मुकाबला, रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की बीट पर झूमी मुंबई, कॉन्सर्ट देखने के लिए डीवाई पाटिल स्टेडियम में उमड़ी मायानगरी, वायरल हुआ बीबर का वीडियो। जस्टिन बीबर के शो को देखने के लिए जमी पर उतरे बॉलीवुड के सितारे, नेता अभिनेताओं का शो में तांता। कॉन्सर्ट से पहले पॉप स्टार बीबर ने बच्चों के साथ फुटबॉल का उठाया मजा, मुंबई की धड़कन लोकल ट्रेन में भी की सवारी। मुंबई में फ्रीडम माई स्टोरी किताब की लॉन्चिंग, अभिनेता नसरुद्दीन शाह और हेमा मालिनी ने की शिरकत। चीन के नानचांग में ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार की बचाई जान, टक्कर से ट्रक और बाइक में लग गई थी आग। कराची के बाद आइस हॉकी में हाथ दिखाते नजर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, सालाना जलसे में खेली बर्फ पर हॉकी। कनाडा में बाढ़ से भीषण तबाही, कईयों की मौत, हजारों हुए बेघर, राहत का काम जारी। न्यूयॉर्क में बना पहला चॉकलेट म्यूजियम, चॉकलेट प्रेमियों का लगा तांता। यूरोप की सरहदों पर सीरिया, मिस्र के विस्थापितों का लगा जमावड़ा, अब तक 350 लोगों का रेस्क्यू।